नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। और आज के नए वीडियो में हम सभी छात्र छात्राओं को जानकारी बताना चाहते हैं, जिन भी छात्राओं ने मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना सत्र 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया है, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में फेल हुए छात्रों ने रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है और ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई एरर आने की वजह से जो है अपना रसीद प्रिंट नहीं कर पाए हैं या फिर पेमेंट कट गया है और अभी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म नॉट पैड बता रहा है, तो यहाँ पे आपको रसीद कैसे प्रिंट करना है, साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम रुक जाना नहीं योजना का जो पोर्टल है इसे ओपन कर लेते हैं। इसकी डायरेक्ट साइड आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट ही इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको बताना चाहेंगे कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में जो छात्र 2023 में फेल हैं वो यहाँ पे रुक जाना नहीं योजना के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद अपना जो है एग्जाम देने के बाद आप अपनी पास जो है पास कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट में फेल हैं उनमें आप पास होकर जो है आगे के सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 4/6/2023 तक रखी गई है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रुक जाना नहीं योजना जून 2023 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, दूसरा पे अनपेड डुप्लीकेट रिसिप्ट का ऑप्शन है। तो आपने जो है सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, यानी आपने आवेदन कर दिया है, किसी कारणवश आप जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिख पाए हैं या रसीद प्रिंट नहीं कर पाए हैं, तो आप वो है अपना कैसे प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले पे अनपेड डुप्लीकेट रिसिप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो आप यहाँ पे कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं का जो आपका रोल नंबर है वो इस बॉक्स में आपको फिल करना है, वही आपका एप्लीकेशन नंबर है, वही आपका रोल नंबर है, तो वही रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और सर्च बटन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक बार और बताना चाहेंगे, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपका 10th और 12th का रोल नंबर है, वही आपको यहाँ पे फिल करना है, वही आपका एप्लीकेशन नंबर, वही आपका रोल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, इसके बाद आप अपनी रसीद प्रिंट कर सकते हैं। और अगर रसीद प्रिंट नहीं होती है उस पर लिखा आता है कि आपने अभी तक भुगतान नहीं किया और आपका जो है पैसा कट गया है, तो आपको थोड़ा 24 घंटे से 48 घंटे का वेट करना है, आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और अगर सबमिट नहीं होता है, 48 घंटे के बाद सबमिट नहीं होता है, तो आप जो है अपना पेमेंट दोबारा करें, आपका जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पे अधिकतर जो है आपका पेमेंट सबमिट होगा, अगर पेमेंट कट जाता है तो यहाँ पे आप डबल पेमेंट ना करें। इसके अतिरिक्त तो और भी जो जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जैसे कि आपका टाइम टेबल क्या है और किस डेट में आपका एग्जाम होगा, साथ ही आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।